कोला बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ग्राउंड से उठे रहे जहरीले धुएं के कारण आसपास निवासरत लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। पिछले 4 दिनों से रात दिन ट्रंचिंग ग्राउंड से धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अमले का ध्यान नहीं किया है। ऐसे जहरीले धुएं के चलते बरेली रोड और रामपुर रोड में कोहरे से धुंध छा गई है। वही रात को धुआं जीरो विजिबिलिटी का कारण बन रहा है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं आग के चलते लीगेसी बेस्ट प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। आग के कारण प्लांट की कई तारें चल गई हैं। इधर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरबाज खान का कहना है कि धुएं के कारण गोला बाईपास में दिन के उजाले में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निगम के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परसों करीब करीब दोपहर के वक्त ही आग लगी थी, जो कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो गोला रोखड़ का एरिया, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो एकदम से उस आग ने विकराल रूप ले लिया था। वहाँ पे हमारे द्वारा अपने टैंकरों के माध्यम से तथा 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई थी, जिनके माध्यम से उसको बुझाया गया था। किंतु क्योंकि उस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक आदि सामान ज़्यादा रहता है, तो उस आग में एकदम से काबू पाना आसान नहीं है। तो कल भी उसको बुझाने का हमने कार्य किया, उसमें पानी डाला है तथा फायर ब्रिगेड ने पूरा सहयोग हमें किया है।